पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा, क्या सूर्य और मंगल महाराज मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार महिला, किसान, युवा और गरीबों को ध्यान में रखते हुए तेजी से बड़े अहम फैसले लेने और उनके हित में काम करने में जुटी हुई है। साय सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश में निरंतर विकास कार्यों को करा रही है। जनता की हर एक समस्या का समाधान हो रहा है और गरीबों को न्याय मिल रहा है। हर एक जरूरतमंद को हर संभव मदद मिल रही है। पीएम आवास के तहत हर गरीब परिवार को 18 लाख पक्का मकान देने का सपना दिखाया गया था, आज वो हकीकत में बदल रहा है। जी, मोदी जी ने जो हेल्प किए हैं उसके बाद अब भाई हमारा घर बना है तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय जी द्वारा हम उनके छोटे से कच्चा मकान है, अब हम उनके नाम माँ के नाम आवास आए, तब हम मतलब पक्का के मकान हम उनके बन जाए और सरकार मतलब हम उनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वही छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम आवास योजना के चलते पूर्ववर्ती सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने पीएम आवास के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास देने का वादा किया था, जिससे पहले ही कैबिनेट में हमारी सरकार ने स्वीकृति दी। आगे है छत्तीसगढ़ का कि उन्होंने 8,46,932 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। 11,000 लोगों का प्रथम किस्त उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से जारी की है और करीब 2,20,000 लोग, जिसमें 1,96,000 ग्रामीण आवास और करीब 23,000 शहरी आवास जिनका पूरा हो गया है, जिनको आज गृह प्रवेश कराए हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकार में जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए उनको उनका हक मिल रहा है। अभी पहले किस्त में भारत सरकार 8,46,931 आवास स्वीकृत किया है और इसके बाद और भी बनेगा और जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की हम लोग बात किए हैं उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। यदि सरकार अंतिम व्यक्ति को आसरा दे रही है तो ये बात साफ है कि आसरा आने वाली कई पीढ़ियों में ये उम्मीद देगा कि सरकार हमारे और हमारी उम्मीदों के साथ है और उनके सपनों को साकार कर रही है, जो शायद पहले किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन, देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा, जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1,000 एक्स्ट्रा सीट, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद में मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3,000 पेंशन और मास सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC एस्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे?
केवल मोदी जी को, वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सब के परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को, वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।